नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया पाठ सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। ये पाठ हमारे उन महापुरुष का है जिन्होंने कि आजाद भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि आजादी, पहले देखिए, हर एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और उसको अपनी दासता में रखता था और वहां की संपत्ति लूट ले जाता था, और बाद में वो देश के लोग फिर उन पर विद्रोह करके आजादी ले लेते थे, या कोई राजा उनमें से उभर कर आकर उस दूसरे देश से लड़ता था। मगर हर देश, मतलब संसार के बहुत सारे देशों ने आजादी हिंसा, हिंसा मतलब वॉयलेंट, मतलब युद्ध करके जीत कर हासिल की है। पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अहिंसा के मार्ग से, मतलब नॉन वायलेंस की वजह से, नॉन वायलेंट करके देश को आजादी ली है हमारे देश ने। तो ऐसे में मतलब कि अहिंसा के मार्ग पर हमने आजादी ली है। सच, ये सारा श्रेय गांधी जी को जाता है, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंसा को बिल्कुल नहीं माना, वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। आपने सुना भी होगा कि गांधी जी के बारे में एक कहावत है कि गांधी जी कहते थे कि एक गाल पर कोई मारता है तो उसे दूसरा गाल दिखाइए। ये है उनकी बहुत बड़ी शक्ति की, सहन शक्ति। तो इसी के कारण भारत को आजादी मिली है, और गांधी जी ने देश को, वास्तव में गांधी जी को स्वाधीनता की प्रेरणा, पहले तो गांधी जी स्वाधीनता के संग्राम में या उसकी लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं थे, पर जब वे दक्षिण अफ्रीका गए, उन्होंने बारीसुरी की है लंदन से, उसके बाद में वो जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर उनको दासता की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खास करके महात्मा गांधी जी के जीवन को परिवर्तन करने वाली एक घटना यह थी कि जब वे एक रेल के डिब्बे में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर सफर कर रहे थे, तो उसी डिब्बे में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अफसर आता है और गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गांधी जी एक दासा भरे, मतलब एक स्लेवरी कंट्री के पर्सन थे। मतलब इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो उनको कम बताकर उन्हें वहां से उतरने के लिए कहा। जब गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है, मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर करता हूं, मैं क्यों ना करूं, ऐसा पूछते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें ट्रेन से धक्के देकर उतरवाता है डिब्बे से। तो ये बात उनके दिल में बहुत ही गहरी तरह से बैठ गई, और उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं किसी दासता भरे देश में नहीं रहूंगा और मैं इनसे लड़ूंगा और मैं अपने देश को, अपने साथ साथ काफी देशों को भी आजाद करूंगा। ये उन्होंने ठान ली है, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वैसे ही किया है, और तत्पश्चात भारत में आए और आकर स्वाधीनता की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़ गए, और उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से इस दिशा में कार्य किया, और उनकी एक बात पर भारत के करोड़ों लोग उनका साथ देते थे, और इसी कारणवश उन्होंने बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी अहिंसा के देश को आजादी दिलाई है। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, आगे हम एक पाठ, अब जो पाठ पढ़ रहे हैं इसकी नींव कहीं ना कहीं वहीं पर है, और ये पाठ हमें बहुत कुछ सिखाता है, और खास करके बच्चों को। इस पाठ में एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम धनी है, और आपको पता है गांधी जी अहमदाबाद में कांग्रेस या देश से संबंधित आंदोलनों को एक जगह से चलाने के लिए उन्होंने एक आश्रम खोला था। वो आश्रम था साबरमती के पास में, और उसका नाम है साबरमती आश्रम। ठीक है बेटा। करमचंद गांधी सर। चलिए, अब पाठ में जाएंगे। ये पाठ बहुत ही अच्छा है बेटा। ये पाठ हमें बहुत कुछ सीख देता है, जिसमें यह बताया गया कि हमें कैसे रहना चाहिए और हमें अपने दायित्वों को कैसे निभाना चाहिए, और किससे किस प्रकार से बात करनी चाहिए। सच, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बड़ों से बहुत ही आदर के साथ बात करनी चाहिए। ये इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। चलिए, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है,
पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्ध हूँ, पर मैं बुद्ध नहीं हूँ, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। देखिए, धनी एक 9 साल का लड़का है, जैसे जिस आपकी उम्र भी अब लगभग 9 साल के आसपास ही है, और उस समय में मतलब कि ये बात कहाँ की है, साबरमती आश्रम की है। आश्रम मतलब यहाँ पर कौन सा आश्रम है बेटा, साबरमती आश्रम। इस आश्रम में धनी नाम का एक 9 साल का लड़का रहता था, और वह उस दिन उसने देखा कि आश्रम में बहुत ही गड़बड़ी हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो वह जाने का प्रयास किया, मगर सब लोग धनी को क्या समझते थे, बुद्धू समझते थे, पर वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं अक्लमंद हूं, ऐसा धनी सोचने लगा है। क्योंकि वो उसने क्यों सोचा ऐसे, क्योंकि उसे आश्रम में जो बात हो रही है, जो योजनाएं बन रही हैं, उसके बारे में कोई उसे बता नहीं रहा है, इसलिए उसे ऐसा लगा। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। देखिए कि मैंने बताया था कि साबरमती आश्रम गुजरात में है, और यहाँ से गांधी जी देश भर की हालचाल की बातें जानते थे, और देश में भर के लोगों को संबोधित करते थे, और स्वाधीनता संग्राम से जुड़े बहुत सारे बातें वहाँ पर चर्चा होती थी, और वहाँ की बातें सारे देश में बताई जाती थी। हाँ, तो वहाँ पर हमारे धनी और उसके माता पिता भी रहते थे, और ये आश्रम है कहाँ पर, अहमदाबाद के पास साबरमती की नदी को बिल्कुल लगकर तक उसके तट पर ही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साबरमती आश्रम। और वहां पर देश के सारे लोग, मतलब जो लोग स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए थे, स्वाधीनता संग्राम मतलब फ्रीडम फाइटिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग होते थे, वो कभी ना कभी महात्मा गांधी से मिलने या उनकी राय जानने के लिए या उनसे संपर्क करने के लिए, उनके वो जो सोच रहे हैं और देश को कैसे आजादी दिलाना चाहिए आदि योजनाएं बनाने के लिए वहां पर आते थे। ठीक है, और वो लोग खादी चरखों पर खादी सूंघते थे, मतलब और भजन गाते थे। आपने सुना है महात्मा गांधी जी का भजन है, देखिए बहुत सारे भजन है, ठीक है, उनके बारे में हम बाद में जानकारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। देखिए, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी कहते थे कि हर किसी को कोई ना कोई काम करना चाहिए और सक्रिय रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। तो इसी प्रकार से साबरमती में हर जो भी व्यक्ति आता था, चाहे अतिथि होने दीजिए या स्वयं महात्मा गांधी जी होने दीजिए, कोई ना कोई काम जरूर करते थे और करना भी पड़ता था। देखिए, ऐसे कामों में है खाना पकाना, मतलब भोजन बनाना, बर्तन धोना। आपके घर में खाना कौन बनाते हैं, मम्मी, है ना, राइट। लॉकडाउन में किसने किया, आपने भी किया, ओ वेरी गुड, और पापा ने भी किया होगा, है ना, कुछ मजे मजे नहीं, ओके राइट, ठीक है। हाँ, तो मम्मी ने किया है, और नए नए व्यंजन भी बनाए होंगे, न्यू न्यू वैरायटीज बनाई गई है, नहीं बनाई गई है, राइट। हाँ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना, ऐसे बहुत सारे काम होते थे। वो हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक काम जो अपना मन पसंदीदा है उसे चुनना चाहिए और उस पर काम करना पड़ता था। धनी को भी एक काम सौंपा गया था, वो है कि बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन है, आश्रम की एक बकरी है, और बिन्नी धनी को बहुत ही पसंद थी, वो उसे अपना दोस्त समझता था। ठीक है, धनी को उससे बातें करना भी बहुत अच्छा लगता था। किसके साथ, उस छोटी सी नन्ही सी बकरी बिन्नी के साथ। उस दिन मतलब जिस दिन हलचल हो रहा था आश्रम में, उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर
उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। देखिए, इतने में धनी ने बोला कि बिन्नी, क्योंकि धनी उसकी दोस्त है, धनी की दोस्त है बिन्नी, तो इसलिए उसने कहा कि बिन्नी जरूर आश्रम में कोई बात चल रही है, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं और गांधी जी से घंटों कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, मगर पता नहीं क्या हो रहा है, मगर ये बात मुझे जाननी है। किसने कहा? धनी ने बिन्नी से कहा। आगे बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। किसको? धनी को भूख लगी। भूख लगी मतलब भूख मतलब क्या बेटा? हंगरी। कूती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला। रसोई मतलब क्या बेटा? किचन, जहां पर खाना बनाते हैं, वहां पर वो चला गया। जा देखिए वहां पर क्यों गया? उसे भूख लग रही थी। किसको लेकर गया? बिन्नी को साथ में लेकर। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। देखिए यहां पर एक बात हमें जाननी चाहिए, आजकल क्या है, चुटकियों में सिर्फ स्विच ऑन कीजिए फ्लेम स्टार्ट हो जाएगा, मगर पहले ऐसे नहीं होता था। लकड़ियों पर भोजन बनाना पड़ता था और लकड़ियां कभी कभी कच्ची होती थी, उनमें से धुआं निकलता था और आंखें जलती थी, और कभी कभी फूक फूक करो, धुआं जलने के लिए क्या करना पड़ता था? फूकना पड़ता है। आप भी कभी देखते हो काटा रब शारदा कुछ मार्क नहीं करेंगे आप, हाँ, धुआं निकलता था, आंखें जलती थी और फूक फूक कर फेफड़ों में दर्द होता था। तब देखिए वह माँ के पास गया। अम्मा अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। उसने मतलब किसने पूछा? धनी ने माँ से पूछा, माँ क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए वो बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए माने क्या कहा? वे सब यात्रा पर, यात्रा मीन्स जर्नी पर जा रहे हैं, जर्नी के लिए जा रहे हैं, जर्नी में जा रहे हैं। यात्रा कहां जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। देखिए जब उसकी माँ ने कहा कि वो यात्रा पर जा रहे हैं, तो धनी आप बच्चे हैं, आप भी बोलते हैं पापा, अगर तैयार हो पापा पापा कहाँ जा रहे हैं? चार बजे या पांच बजे मैं भी आऊंगा, बोलते हैं बोलते हैं, ऑफिस जाते हैं तो आप तो खामोश बैठते हैं, मगर पापा कहीं मम्मी कहीं पर तैयार होकर जा रहे हैं, मुझे भी ले जाओ मुझे भी ले जाओ बोलते हैं बोलते हैं। गौतम बाद में करना बात मत कीजिए गौतम, मैंने जी हाँ। तो धनी ने सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं? माँ ने जवाब दिया, समुद्र के पास कहीं, अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। देखिए माँ बिचारी भोजन बना रही है, और मैंने बताया था कि उस समय में भोजन बनाना इतना सरल काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि फूकना पड़ता था, आपको जलाना पड़ता था बहुत कुछ, और इस समय जो बर्तन हुआ करते थे वैसे नहीं होते थे, बर्तन मिट्टी के होते थे, ठीक है, बहुत कुछ होता। गौतम प्लीज डोंट मार्क एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल क्लैरिफाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट सन, ओके। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। देखिए जनी ने जब धनी ने पूछा कि महात्मा गांधी जी कहां जा रहे हैं, तो माने कहा सवाल सारे सवाल बंद करो, पहले मुझे खाना पकाने दो, क्योंकि मुझे मेरा काम मुझे पहले करने दो। ऐसा किसने कहा? धनी की माँ ने कहा। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। देखिए इतने में क्या हुआ कि माँ ने जा बोल दी, वो रूट कर वहां से निकल गया और सब्जी की क्यारियां, सर क्यारियां मतलब बेटा आप देखते होंगे कि एक पौधे ऐसे बिल्कुल एक ही कतार में रहते हैं, आप कभी देखते हैं तो कुछ बगीचों में हम जाते हैं तो एक प्रकार के पौधे बिल्कुल एक लाइन में होते हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में होते हैं, उसे कहते हैं क्यारी। उसकी क्यारियों की तरफ निकल गया और वहां पर एक बूढ़ा था, वो आलू खोद रहा था, मतलब कि धरती के अंदर मालूम है ना आपको, हाँ, कहां से जड़ों में आलू उगते हैं धरती के अंदर, उनको खोद कर निकाल रहा था। तो वहां पर गया बिंदा चाचा, कहते हुए धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? उसने पूछा कि क्या आप भी यात्रा, यात्रा मतलब कहां पर? जहां पर गांधी जी जिसकी तैयारी कर रहे थे। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं
उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, आप में भी। अगर मम्मी कपड़े पहने, मम्मी कहाँ जा रही हो, कि कब जा रही हो, किसके पास जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, ये पूछते हैं, पूछते हैं। अगर मम्मी कुछ नई चीज भी बना, स्पर्श याद हो, डोंट मार्क एनीथिंग, हाँ राइट प्रणवी राइट। तो ऐसे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? अगर मान लीजिए हम हमने बोला कि बेटा टूर पर हम जा रहे हैं, तो पहले आपके सर टूर कहां पर, सर कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पूछते नहीं पूछते हैं। अगर आपको एजुकेशनल टूर लिया जा ले जाया जा रहा है, तो कितने जल्दी पूछते हैं, ओ सर कब? अगर मैम ने बोल दिया बेटा आपको छुट्टी आ रही है, सर कौन सी छुट्टी, कब छुट्टी, पूछते नहीं पूछते हैं। ऐसे उसने बहुत इसे पूछा कि कौन जा रहा है, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बिंदा ने खोता रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। देखिए इतने बिंदा चाचा ने बोला कि अरे भाई धनी, मैं तो सभी बातें बताऊंगा, धनी सॉरी धनी, मैं सारी बातें तुमसे तुम्हें बताऊंगा, पहले एक काम करो, तुम्हारी बकरी बिन्नी ये जो सब्जी की क्यारियां है इसमें से सारा पालक चबा रही है। क्यों? बकरियां क्या करती हैं, हरी सब्जियां और घास खाती हैं, है ना, पत्तियां खाती हैं उसे, और पालक बहुत ही ग्रीन होता है और उसे बहुत मजा लगा और चाट रही थी। तो बिंदा चाचा ने कहा कि अरे भाई धनी, पहले तुम्हारी इस बिन्नी को कहीं बांध दो, ये मेरे पालक खा रही है। कहा ठीक है, धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। देखिए बेटा असली बात यह है कि बिंदा चाचा ने बता दिया कि गांधी जी दांडी जा रहे हैं, दांडी नामक जगह पर जा रहे हैं, और उनके साथ, और वे कैसे जाएंगे, बहुत से गांवों से और शहरों से होते हुए पूरा एक महीना चलते हुए दांडी जाएंगे। असल दांडी क्या है, असल दांडी के बारे में क्या बातें हैं? तो देखिए बेटा असली बात यह है कि उस समय में हमारे देश में किसका राज था, अंग्रेजों का था, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का काम एक ही था कि भारत में जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति को अपने देश ले जाना, और हमारे पास से जितना हो सके उतना पैसा वसूल करना और अपने देश में पहुंचाना। तो इसी काम में उन्होंने देखा कि अरे भाई सारे लोगों हमें पैसा दे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि सारे लोगों की जरूरत क्या है, हाँ एक चीज है, वो है नमक। नमक मतलब साल्ट। साल्ट पर उन्होंने क्या किया है कि साल्ट पर बहुत सारा टैक्स डाल दिया है। टैक्स मतलब कर, कर बोलते हैं उसको, कर हिंदी में क्या बोलते हैं, कर, कर मींस करना नहीं है, यहां पर कर का अर्थ है टैक्स। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया है कि नमक पर बहुत सारा टैक्स डाल दिया है, जिसे हर गरीब को सहना पड़ता था। हर मतलब कि ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि नमक तो हर कोई खाता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी नमक खाता है, और उस पर टैक्स होगा तो वो जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। ये सोचकर उन्होंने कहा कि ये ज्यादती है, ऐसी चीजों पर नमक, जो लोगों की जरूरत है ऐसी चीजों पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। और एक बात अंग्रेजों ने और एक बात कही है कि कोई भी नमक, भारतीय नमक नहीं बनाएगा, कोई भी भारत का व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा, केवल अंग्रेजी नमक बनाएंगे और वे ही बेचेंगे, ये भी कहा। इसके ऊपर गांधी जी को बहुत ही आपत्ति हुई और उन्होंने क्या किया कि कह दिया कि अंग्रेजों को, जब तक आप इस नमक पर से टैक्स नहीं निकालेंगे हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। और दूसरी बात यह थी कि भारतीय को नमक नहीं बनाना है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं स्वयं नमक बनाऊंगा और नमक बनाकर दिखाऊंगा। यह कहकर उन्होंने क्या किया कि यही दांडी सत्याग्रह शुरू किया। तो इसके लिए उन्होंने गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में समुद्र के तट पर एक गांव था, उसका नाम है दांडी। और ये अनशन उन्होंने, ये सत्याग्रह उन्होंने कब शुरू किया, 12 मार्च 1930 को किया है। ठीक है, समझ गया बेटा। आगे नमक, धनी ने पूछा, नमक है, क्या
पागल हो गया, दमक के लिए करते हैं, क्योंकि उसको ये सारी बातें पता नहीं है। धनी चौंक कर उठकर बैठा, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। देखिए उसने बोला, अरे नमक के लिए दांडी जाने की जरूरत है, अरे कोई भी दुकान में मिल जाएगा, अरे दो पैसे देंगे तो नमक मिल जाएगा। किसने कहा? धनी ने। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। देखिए इतने में कहा कि जब धनी ने पूछा कि बिंदा चाचा से कहा कि अरे भाई नमक के लिए, अरे नमक तो कोई भी दुकान में मिल जाएगा, इसके लिए दांडी जाने की जरूरत है, तो बिंदा चाचा ने कहा कि नहीं, तुम्हें पता होगा कि गांधी जी आम व्यक्ति नहीं है, ये जब कभी भी कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, और इसके लिए वे कितनी दूर तक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें पता नहीं है कि ये यात्रा ही उस लिए हो रही है क्योंकि अंग्रेजों ने ये अन्याय किया है कि नमक पर टैक्स लगाया है, ऐसे। तो आगे देखिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि गांधी जी किसी अन्याय के खिलाफ ही लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ ही जुलूस निकालते हैं। तो बिनी ने बोला, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूं। किसने बोला? बिनी ने बोला। धनी ने बोला, किससे बोला? बिंदा चाचा से। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो धनी बोला कि अरे बिंदा चाचा, अरे लड़ना है तो किसी चीज पर लड़ो, किसी को जेल ले गए या किसी को अंग्रेजों ने मारा है या किसी को किसी पर जुल्म करे, इसके लिए लड़ना चाहिए, नमक पर, अरे छोटी सी चीज पर लड़ते हैं, ये तो बेकार की बात है, क्योंकि बच्चे भी अपने आप को होशियार समझते हैं। आप अपने आप को होशियार समझते हैं, नहीं समझते हैं? यू फील यू आर इंटेलिजेंट? नो? यस आर नो? यस। आगे, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? नमक पर कर, कर मतलब मैंने अभी बताया, टैक्स देना पड़ता है, उन्होंने कहा। अच्छा धरी, अच्छा धरी हैरान रह गया, हाँ क्या नमक पर टैक्स देना पड़ता है? ओए माँ, वो परेशान हो गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। देखिए इतने में क्या हुआ कि उसने कहा कि अरे बेटा ये जो कर है, कर तो हर एक को देना पड़ता है और नमक तो हर किसी की जरूरत है, ये तो आम आदमी की भी जरूरत है, इसीलिए अंग्रेजों ने इस पर कर लगाया है, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा आया, अरे भाई जो सारी लोगों की जरूरत है, इस पर टैक्स बढ़ाना क्या अच्छी बात है? नहीं, इट इज रॉन्ग। कौन बोला? धनी भी बोला, हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। देखिए मैंने जैसे बताया था आपको, केवल नमक पर टैक्स नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि ये भी कहा है कि कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा और नहीं बेचेगा। देखिए बेचना मतलब बेचना है तो है, मगर अंग्रेजों से खरीद कर, ठीक है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। देखे इसी कारणवश, मतलब अंग्रेजों का जो जुल्म है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ ही गांधी जी ने पहले उनसे कहा था कि नमक पर कर हटा दो, कर मतलब टैक्स हटा दो, मगर अंग्रेजों ने नहीं माना, इसी के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी ने ये निर्णय लिया है। आगे, एक महीने तक पैदल और एक दूसरी बात, एक महीने तक पैदल चलेंगे, अरे क्या बात है भाई, अरे एक दांडी जाना है तो दांडी तो पास नहीं है, हाँ 240 किलोमीटर के करीब में है, अरे यहां तक पैदल जाने की जरूरत है? किसने कहा? धनी ने। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? देखिए वो इंटेलिजेंट है, उसने पूछा, अरे दांडी जाना है तो क्या बस में नहीं जा सकते? अरे ट्रेन में भी जा सकते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, बस एक दिन में पहुंच जाएंगे, क्या इसके लिए पैदल जाने की जरूरत है? अरे गांधी जी को है, आई एम इंटेलिजेंट, ये सोच रहा है। बोला किसने? बोला बिंदा चाचा से।
क्योंकि यदि वे, अब बिंदा चाचा बोल रहे हैं कि क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगे छपेंगे, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। देखिए असली बात, बिंदा चाचा ने बताया कि असली बात गांधी जी का दांडी जाकर नमक बनाना नहीं है, बल्कि देश के लोगों में स्वाधीनता के प्रति जागृति और अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना पैदा करने, और सारी विश्व में, क्योंकि अब जब गांधी जी 1 महीने तक पैदल जाएंगे तो उनके साथ कम से कम हजारों लोग आएंगे, और बहुत सारे लोग रिपोर्टर आएंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल्स आएंगे, मतलब इस समय में न्यूज चैनल्स मतलब रेडियो शायद हो सकता है, तो वगैरह वगैरह होंगे, और पेपरों में बात छपेगी, फोटोस निकलेंगे, और इसका प्रचार होगा, और सारे देश को पता चलेगा कि अंग्रेज भारतीयों पर कैसे जुल्म कर रहे हैं, इसीलिए वे पूरा 1 महीना पैदल जाना चाहते हैं। किसने कहा? बिंदा चाचा ने। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना, धनी की आंखों में चमक। अरे बाप रे, मैं तो ये सब सोचा ही नहीं, गांधी जी कितने होशियार है, अक्लमंद मतलब होशियार है ना, धनी की आंखों में चमक आ गया, चमक मतलब एक प्रकार की खुशी आ गई। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही, वह तो है ही, मतलब सच बात है, अरे भाई गांधी जी अक्लमंद है, इसीलिए तो उनका नाम इतना रोशन हुआ है। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा कात रहे थे। इतने में क्या हुआ कि वहां से निकल गया, और इतने में दोपहर चढ़ गई। दोपहर मतलब बेटा 12, मतलब दोपहर का समय, मतलब अराउंड नून, आफ्टरनून का टाइम, मतलब मॉर्निंग बीत चुका है, आफ्टरनून स्टार्ट हुआ है, आफ्टरनून, दोपहर, दूसरा पहर, मतलब 12 के बाद का समय। वो अपने पिताजी को ढूंढने निकला तो उनके पिताजी क्या कर रहे थे, चरखा काट रहे थे। आपने देखा है चरखा, चरखा देखा है बेटा, यहां पर है, देखिए कहां पर, देखिए एक मिनट, चरखा नहीं दिखाई दे रहा भाई, आपने महात्मा गांधी को देखा तो देखेंगे, ये पोरबंदर है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ, ये गांधी जी जिस पाठशाला में पढ़े थे राजकोट में, ये वहां की पाठशाला है, और 7 साल की उम्र में गांधी जी ऐसे थे, और गांधी जी कस्तूरबा बहन के साथ ऐसे, कस्तूरबा मतलब बहन क्यों कहते हैं उनको, बहन कहते हैं, जैसे कि आज मोदी जी की मम्मी को भी बहन कहते हैं, वैसे उनकी पत्नी के साथ जा रहे थे, और यहाँ पर सभी के साथ धर्म सम्मेलन में या भजन कीर्तन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शांतिनिकेतन में बैठकर गांधी जी हैं, और यहाँ पर देखिए गांधी जी, और एक बड़ी बात यह बेटा, गांधी जी के पास जितने भी पत्र आते थे उन सब पत्रों का जवाब गांधी जी उसी दिन देने का प्रयास करते थे, चाहे वो कहीं पर क्यों ना हो, चाहे अनशन में हो, चाहे जैसे कि आप पैदल जा रहे हैं दांडी, कुछ वैसे भी हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर आश्रम में गांधी जी तुलसी का पौधा लगाते हुए यहाँ पर देखिए पत्र पढ़ते हुए, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि गांधी जी को कोई भी अगर कहीं से भी देश के किसी भी कोने से पत्र लिखता था तो केवल यही लिखता था, धनुष वैष्णवी, डोंट मार्क एनीथिंग। गांधी जी को जो भी पत्र लिखे जाते थे उनका जवाब वो अवश्य देते थे, और वो पत्र को भी जरूर पढ़ा करते थे बेटा। ठीक है, देखिए अब हम हमारे पार्ट में जाएंगे। हाँ तो हम कहा, गांधी जी, हाँ यहाँ पर देखिए पिताजी, यहाँ पर देखिए दोपहर का समय हो गया, दोपहर हो गया, और धनी अपने पिता को ढूंढता हुआ निकला, और उसके पिताजी क्या कर रहे थे, चरखा काट रहे थे। वहां पर जाकर देखिए, पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, धनी ने सीधे काम की बात पूछी, मतलब वो अपने पिता के पास गया और जाकर बोला कि पापा पापा क्या आप और माँ दोनों गांधी जी के साथ जा रहे हैं। तो देखिए उनके पापा ने उत्तर दिया, मैं जा रहा हूं, तुम और अम्मा यही रहोगे, देखिए मैं तो जा रहा हूं गांधी जी के साथ, मगर तुम और अपनी
माँ। हरिचरण जी सुनिए बेटा, तुम और अपनी माँ यहीं पर रहेंगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। कौन बोला? धनी बोला। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतनी लंबी यात्रा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो उनके पापा ने बताया, धनी अभी तुम छोटे हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम छोटे हो अभी, यहीं पर रहो, हमारे साथ नौजवान, नौजवान मतलब यंग पीपल ही हमारे साथ आएंगे। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ता हूं। इतने में धनी ने बोला कि अरे आप मुझे छोटा समझ रहे हैं, मैं तो अभी 9 ईयर्स ओल्ड, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, आई कैन वॉक अलॉन्ग विथ यू। हाउ वुड यू से पापा आई वोंट कम विथ यू, क्या मैं नहीं चल सकता हूं आपके साथ, धनी ने पूछा। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। तो उन्हें पता चला गया कि ये धनी उनकी बात मानने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने बात गांधी जी पर टाल दी और उन्होंने कहा कि बेटा मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, ये तो महात्मा गांधी जी ही निर्णय ले सकते हैं कि उनके साथ कौन कौन जाएगा। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, मन ही मन धनी ने सोच लिया, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी मतलब उसने सोचा कि गांधी जी से पूछने से गांधी जी क्या कहेंगे, बच्चों की बात तो मान जाएंगे, जरूर वो क्या कहेंगे, मेरे साथ आने के लिए कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया, मतलब पापा से बोलकर वहां से निकल गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब वे उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते हैं। देखिए मजे की बात यह है कि धनी गांधी जी से बात करना चाहता था, कि वो भी उनके साथ चलने की बात कहना चाहता था, मगर गांधी जी से मिलना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो हमेशा काम करते थे और काम के समय में कोई बात पूछेंगे तो बड़े क्या करते हैं, जाओ बोलते हैं। आपके पापा, मान लीजिए आपके पापा कोई काम करते रहते हैं, ऑफिस का काम या नहीं तो कॉलेज का काम करते रहे, आप जाके पापा पापा बोलेंगे, बेटा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, बोलते नहीं बोलते हैं पापा, थोड़ा ये होते नहीं होते हैं, और मम्मी काम करते, अरे बेटा मुझे अब मत समझाओ, मैं बाद में आपको समय दूंगी ना, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो उसे पता है कि काम के समय में गांधी जी से ये बात नहीं पूछनी चाहिए, जब वो फ्री होते हैं तभी पूछना चाहिए। वो उन्होंने सोच लिया, सोचकर उसे पता था कि ये कौन सा समय हो सकता है। तो उसने उन्होंने क्या किया कि वो सोच लिया कि अरे हाँ, गांधी जी सुबह के समय में क्या कर सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं, अभी तो नहीं। तो उसने सोच लिया। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। देखिए सुबह हो गई, दूसरे अब ये धनी ने सोच लिया कि किसी हाल में मुझे गांधी जी से बात करना है, और कौन से समय में बात करना चाहिए, सवेरे, क्यों, सवेरे के समय में गांधी जी क्या करते हैं, हाँ थोड़ा सा खुला रहते हैं, उसी समय में हमें बात करना चाहिए। यह सोचकर वह जल्दी से बिस्तर से उठ गया, उठकर गांधी जी को देखने चला गया और उसने देखा कि गांधी जी गौशाला, गौशाला मतलब जहां पर गायें रखती हैं, वहां पर देख रहे थे, वहां पर जा रहे थे। गांधी जी ने गायों को देखा, उसके बाद में क्या किया, सब्जी के बगीचे में गए, वहां पर देखा मटर, मटर मतलब पीस है ना, बटाने, बटाने बोलते हैं, और बंद गोभी, कम बंद गोभी मतलब कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये देखा और उसके बाद बिंदा से कुछ देर बातें करने लगे। उसके पीछे, उनके पीछे पीछे धनी आ रहा था, और किसको साथ में लेकर आ रहा था, वो बिन्नी को। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले, बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहां आओ बेटा। देखिए इतने में गांधी जी को भी पता चला कि धनी उनका पीछा कर रहा है, और गांधी जी जब अपनी झोपड़ी में चले गए और जाकर चरखा काटने लगे, काटते हुए उन्होंने कहा कि धनी को देखकर उन्होंने कहा यहां आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तो इतने में गांधी जी बुलाए, वो दौड़ते हुए वहां पर चला गया और उसके साथ साथ बिन्नी भी चली गई। तुम्हारा नाम, तुम्हारा क्या नाम है बेटा, गांधी जी ने पूछा। धनी बापू,
देखिए, और एक बात यह है कि गांधी जी को जो लोग जानते थे वो लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। उनका और एक दूसरा नाम क्या है? बापू। तो उन्होंने कहा, धनी बापू, धनी कहते हैं गांधी जी कहा, और यह तुम्हारी बकरी है ना? उन्होंने पूछा। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। तो उसने कहा कि हाँ, ये है मेरी दोस्त बिन्नी जिसका दूध आप रोज सवेरे पीते हैं। किसने कहा? धनी ने, मतलब कि मैं आपकी सेवा करता हूं डायरेक्टली, ऐसा उसने कहा, मैं इसकी देखभाल करता हूं। देखिए कितनी कितना अच्छा लगता है कोई यह बड़े व्यक्ति पूछते हैं, तो लगता है नहीं लगता है? नेक्स्ट। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? देखिए, मजे की बात यह है कि गांधी जी जब जा रहे थे, गांधी जी हो रहे थे, तो उनके पीछे पीछे ये घूम रहा था। ये बात वो उसने उसने सोचा कि गांधी जी उसे नहीं देख रहे हैं, मगर गांधी जी अक्लमंद हैं, उन्होंने उसे देखा है और सवेरे से देख रहे हैं, और उन्हें पूछ लिया कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? हिम्मत करके उसने कह डाला। इतने में क्या हुआ कि अब जब पूछा है तो उसे थोड़ी सी घबराहट हुई, पर उसने थोड़ा सा धैर्य बांधकर कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ पूछो बेटा। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? उसने पूछ लिया, दिल की बात उसने पूछ ली। गांधी जी से वही पूछना चाहता था ना वो, हाँ कि नहीं? वो पूछ दिया उसने। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। देखिए, उन्होंने भी जैसे धनी के पिताजी ने जो बातें कही थी वही बातें यहां पर गांधी जी ने वैष्णवी और उज्ज्वला, डोंट मार्क एनीथिंग ऑन स्क्रीन। गांधी जी मुस्कुराए और बोले कि अरे बेटा, असली बात यह है कि तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं आ सकते हो, मैं सिर्फ बड़े जो नौजवान लोगों को ही मेरे साथ ले जाना चाहता हूं, पर आप तो नौजवान नहीं है। उसने कहा कि आप भी बूढ़े हैं, आप भी नौजवान नहीं है। धनी बोला तुरंत, क्योंकि बच्चे तुरंत बोल देते हैं, आप ठकाक से बोल देते हैं किसी को भी कुछ भी। मैं बहुत अच्छे से चलता हूं, गांधी जी ने कहा। बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी से चलता हूं। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं। धनी भी अड़ गया कि उसने भी कह दिया कि आप अच्छा चलते हैं तो मैं भी अच्छा चलता हूं। देखो बेटा, आज लेसन कंप्लीट कर देंगे, और थोड़ा सा है, लेट मी टू कंप्लीट, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? उन्होंने कहा कि आप अच्छा चलते हैं तो मैं भी अच्छा चलता हूं, देख लो मैं क्या छोटा बच्चा हूं, मैं भी बड़ा हो गया हूं, मैं 9 साल का हूं। आप भी बोलते हैं अरे नहीं खेत ले तरह चीज ना कर दे, तो पैदावानी बोलते नहीं बोलते मम्मी को, ए नहीं कह दे नहीं कह दे मम्मी, फोन पे आजकल आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, अरे नहीं कहते लिए चेस्टन बोलते हैं, है कि नहीं? राइट। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। देखिए, गांधी जी को धनी को रोकना था, मगर कैसे? उन्होंने सोच लिया, सोचकर बताया। देखिए क्या कहा, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा, इतना चलने के बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। देखिए, इतने में गांधी जी ने कहा, आपने जो कहा वो सही बात है, आपने कहा, तुमने कहा कि मैं चलूंगा, मगर सच बात है, मगर मैं इतने 1 महीने तक चलते जाऊंगा तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, और मैं कमजोर हो जाऊंगा तो मैं जब वापस लौटूंगा मुझे शक्ति चाहिए नहीं चाहिए, और मुझे हाँ शारुन, आई विल गिव यू टाइम, माय टाइम इज ओवर, आई रेस्ट जस्ट 10 मिनट्स इज देयर, आई विल कंप्लीट माय, ओके? हाँ, तो उसने कहा कि मैं इतना थक जाऊंगा और मैं वापस लौटूंगा तो मैं कमजोर पड़ूंगा, मुझे शक्ति चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। हाँ आगे देखिए, यह बात तो ठीक है, बिनी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूं। देखिए धनी ने बोला कि अरे गांधी जी आपने तो बहुत सच्ची बात कही है, अरे दरी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूं। ओ गॉड, मैं कितना
बुद्धू, मैंने सोचा ही नहीं कि अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा। ओ गॉड, धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया और सिर्फ मैं जानता हूं कि इसे क्या पसंद है। तो उसने कहा कि हाँ, अरे बाप रे, ये क्या खाती, अरे मैं कितना गलत सोचा, अगर मैं गांधी जी के साथ जाऊंगा तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और मैं रहूंगा तो ही ये खाती है, और इसे क्या चाहिए, ये सिर्फ मुझे ही मालूम है। देखिए गांधी जी कितने होशियार हैं। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे, गांधी जी ने प्यार से बोला, क्या तुम आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करोगे मेरे लिए। जी हाँ करूंगा, धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। दिस इज सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा अनुवादित है। देखिए कितनी अच्छी बात है या नहीं है, अच्छा है नहीं है लेसन। हाँ, उसने अंत में क्या कहा, हाँ सुपर, हरिचरण जी बता रहे हैं सुपर, कि अंत में उसने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा और बिन्नी और मैं यहीं पर रहेंगे। राइट बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, कैसा लगा लेसन, रियली सुपर है नहीं है।